मुझे बहुत देर हो रही है। अगर मेरे भैया जान जाएंगे ना तो तुमको तो मुझे तो मारेंगे, तुमको तो सीधा फिर ऊपर पहुंचा। जब तुमको प्यार करने से डर लगता था कि मेरे भैया जान जाएंगे, तुमने ऐसा काम क्यों किया? यहाँ पे नहीं भैया है, अबे तुमको मैं अपने घर ले चलूंगी। घर चलो, इसी बहाने तुम्हारे भाई साहब से मुलाकात भी हो जाएगी। और हम प्यार करेंगे दुनिया से ना डरने वाले, और दुनिया से ना डरने वाले। जल्दी आ जा, गाड़ी लेकर आया। कहा गाड़ी, कहा खड़ी किया? गाड़ी गेट पर खड़ी करी। और कुमार तेरे साथ, हमने यही कहा था ना तुझसे, गाड़ी लेकर जा, कुमार स्कूल गई है उसे स्कूल से घर लेकर आ। रहा दे भाई, हमका दीदी मिलवे नहीं भाई, कौन मिली नहीं पता नहीं, देर से हम करत 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 बताओ कितनी देर हो गई हम लोग, क्या करी नहीं मिली? भूखे प्यासे मर गई, बताओ तुम तो फिर कुमार कहाँ गई? ए, स्कूल से कहाँ गई फिर वो? हमका काम अगर पता लगा चल। भैया अरे कुमार, हाँ भैया ये धर्मू कहाँ था? ये गाड़ी लेकर तुझे स्कूल लाने गया था, तू कहाँ थी? भैया मैं इसका इंतजार कर रही थी, मैं वहां से पैदल आई। भैया क्यों धर्म? हमारी बहन स्कूल से पैदल आई और तू गाड़ी लेकर वापस चला? कई नंबर गेट से रोड निकलती है? दो नंबर गेट से। दो नंबर गेट से खड़े रहे, अब बताओ आज कई नंबर गेट से आई? भैया आज मुझे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? आज मैं चार नंबर गेट से निकली हूँ, कुछ मेरी सहेलियां साथ में थी इसीलिए। भैया तेरी कोई गलती नहीं है धर्म, क्या कुमार जाओ ऐसा दो नंबर जाती तो आज चार नंबर पर क्यों गई? तेरी सहेलियां मेरी सहेलियां थी हमारे पास, गलती तेरी है ना? हाँ भैया, गलती धर्म तेरा इंतजार कर रहा था और जब ये खा लिया था तो हमें कितनी चिंता हो गई तुझे पता? भैया सुनो तो, मैं स्कूल से जब पैदल आ रही थी उस एक जंगल में एक डाकू आया। क्या डाकू? हमारे वो मुझे छेड़ने लगा और इन्होंने इन्होंने सुनता नहीं कुछ। कुमार ने क्या कहा तुझे? सुना तूने? सुना इन्होंने जान बचाई एक बार की और तुम इनको मारने लगे? चल माफी मांग, चल चलो माफ कर दिया, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। बगैर सोचे समझे कुछ गलत काम करना अच्छी बात नहीं होती। नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, आपने बहुत बड़ा एहसान किया हम पर। हाथ उठा जाकर अच्छे से चाय बना के ले जा। दीदी हमका काशी बना दियो आज। क्या काशी? क्या है इसको? बनारस पिलाओ काशी ना पिलाओ। अरे काफी बोलते हैं उसको, चलो कॉफी को बोल रहा। अरे दोस्त हम कहीं समझ में नहीं आता है किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरी बहन की जान बचाई, हमारे घर की इज्जत बचाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
कृपा करके नाम बता दीजिए श्रीमान, आपका सब नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रजीत सिंह है। चंद्रजीत सिंह यानी कि आप ठाकुर हैं? हाँ। और नाचिस को लोग बलबीर सिंह कहते हैं। वाह, आपका भी बड़ा सुंदर नाम है। देखिए ना, अच्छा सहयोग है। और पहचान तो हुई ही और दूसरी बात दोस्ती ही हो गई। सच कहते हो यार। अरे दोस्त नहीं, भाई हो मेरे। क्यों नहीं दोस्त? बोलो। तुम्हारे घर पर आए हैं तो आप शादी का निमंत्रण दे रहे हैं। अरे यार, अब देखिए सहयोग की बात है ना, ना पहले आप हमको जानते थे और ना मैं आपको जानता था। ये तो भगवान की मर्जी है जो मिला दिया। ये बात है। अरे धर्म तो ठीक है, एक मिनट आप बैठिए। जल्दी से शादी का कार्ड लेकर आ, शादी का कार्ड निमंत्रण देना। अच्छा हाँ, निवर्तन नहीं दिन जाए इनका। निवर्तन नहीं भैया, निमंत्रण। अच्छा ठीक है, लाइन जल्दी ला।
अरे दोस्त क्या लेंगे आप? क्या कर रहा? देख जाकर कुंवर मेरे दोस्त बना चुकी है। कार्ड की कोई बात नहीं, चाय की कोई बात नहीं, नहीं कार्ड की कोई बात नहीं, यानी शादी के कार्ड की नहीं यार कोई बात नहीं। अरे शादी के कार्ड का ये निमंत्रण मंजूर करता हूँ। और देखो अगर वक्त पर घर नहीं पहुंचूंगा तो घर में भी डांट पड़ेगी, इसलिए जो भी चाय या नाश्ता कल जब आऊंगा आपकी बारात में शामिल होने उस वक्त नाश्ता करूंगा, मिठाइयां भी खाऊंगा, इसी क्या बात है? क्या लेकर आए थे? देखो कारण छपवाएन पैसा लाज है, ऐसे कैसे मुझवानी नहीं होता। लो आपके निवर्तन है, आवा है, ले लियो। ये क्या है? ये कौन सा कार्ड है? फैशन वाले में से छपा है। ये फैशन वाला कार्ड है, इसीलिए हम तुझे इधर उधर कहते हैं। आंखों से ठीक से नीचे देखा कर क्या आई है? हम जल्दी उठा। अच्छा सुन 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 सुन, पहले जाकर देख चाय बन गई कि नहीं, हमारा दोस्त चाय पी हो जाएगा। छोड़ो मेरे यार, मैंने कहा ना कल आऊंगा तो बड़े प्यार से यानी चाय पीऊंगा, नाश्ता करूंगा। ये बहानाबाजी करने से कोई काम नहीं चलेगा। इधर ये माइक की आवाज बढ़ाने वाला कम बोल रहा। आप हमारे दोस्त हैं, दोस्त ही नहीं हमारे भाई हैं। धर्मो जल्दी आ जाए यार, धर्मो इधर। ये हमारे दोस्त ही नहीं हमारे भाई हैं। आज से हमारे पिताजी इनके पिताजी, इनके पिताजी हमारे पिताजी, सुनना ना, हमारी माताजी इनकी माताजी, इनकी माताजी हमारी माताजी, हमारा भाई इनका भाई, इनका भाई हमारा भाई, हमारी बहन इनकी बहन, इनकी बहन हमारी बहन, इनकी दुल्हन तुम्हारी दुल्हन। भाई साहब अरे ये नहीं होता यार, इकट्ठा सब तो हो जाते हैं। अच्छा नहीं होते। अरे दोस्त, अरे चाय है, चाय चिंता ना करो, चाय बंद है, बंद है। तू चाय लेकर आ। ये धर्म, अरे यार बढ़िया चाय खास नौकर है क्या? हाँ ये दोस्त है हमारा, नौकर है लेकिन ये हमारा भाई जैसा है। और हम चाय के लिए रोक कर रखे हैं, बताइए क्या जवाब दे? अरे चाय चाय आ रही है। देखो देखो आपको और धर्मों को इसी हवेली में रहना है मेरे दोस्त, गुफ्तगू हमेशा करते रहना, मैं चल रहा हूं। कल ये बताओ बारात, अरे नहीं भैया चाय पी कर छोड़ो, बारात किस समय जाएगी ये बताओ? बारात जाएगी सुबह 10 बजे। तो ठीक है मैं 8 बजे आ जाऊंगा। अरे चाय 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 लेकर आया। अरे बस नमस्कार। ओ भैया क्या लावत रहे, माझी गिर गए। आज बनेगा तो दोस्त, क्या नाम बताया भूल गए? चंद्रजीत सिंह। देखो आप समय से नहीं आएंगे ना तो हम दूल्हा नहीं बनेंगे और ना ही बारात लेकर जाएंगे। नहीं यार मैं टाइम पर आ जाऊंगा, यानी 8 बजे 10 बजे तुम्हारी बारात जाएगी। 8 बजे आ जाना, 10 बजे हमारी बारात आ जाऊंगा। नमस्कार नमस्कार। क्यों बे इधर आ साले उल्लू के पट्टे? ये तो कहा उसने सुना नहीं साले, एक बार बता रहा है कि चींटी खत्म हो गई, दोबारा आया तो बताया मक्खी गिर गई उसमें। चुप रहो, लिबे लिबे करे हो, चाय चाय लगाए हो, बताओ ना घर में चाय पत्ती ना चीनी, ये जिम्मेदारी किसकी है? आए तो हमारे लेकिन छुट्टी पाई थे अकेले, मैंने कहा। अरे तुझे अपना भाई समझता नहीं, दो चार जूते भी मारता थे साले। अच्छा सुन, कल हमारी बारात जाएगी ना, कहाँ जाना है जानता है? जांगियाबाद। कहाँ? जांगियाबाद। अरे जांगिया कच्ची की बात कर रहा है, गाजियाबाद। हाँ हाँ जहाँ हम गए ना। सुन, हम ठाकुरों की बारात जरा धूमधाम से जानी चाहिए, नाच गाना सारी व्यवस्था बढ़िया चकाचक होना चाहिए। डीजे कहीं ले? हाँ कर ले, और इससे भी अच्छा कोई प्रोग्राम हो। रणदीप लेडीज बोल यार, रणदीप नहीं अच्छा लगता।
लड़की कही ले हाँ कर ले वो भी अच्छा है। अच्छा सुन ये लाइट वाइट की व्यवस्था ये सारी तेरी जिम्मेदारी पर है, लाइट वालों से बता देना कोई कमी ना होने पाए। अरे हमको डर लगता सारे चाय के लिए तो तुम बता रहा चीनी खत्म हो गई। नहीं बढ़िया बढ़िया चंडाल यहाँ वाला लगो पर हुआ। अच्छा चलता हूँ बाबू जी नाराज होंगे तू भी ध्यान रखना। तो मैंने बतावा था बढ़िया बढ़िया चंडाल लगो बे चंडाल पंडाल कहा जी का। हाँ बताओ राणे राणे है ये नहीं ना यार राणे नहीं राजा है। हाँ हलाई खोसन टंगे जल न है हलाई खोसन है तो खोसी खोस ए, चलो माया राम के डीजे कही ली ना और हुआ बात तय कही आएंगे कि हम बाराती भसन जब अगर घर आती आए तो जैसे मार पीट शुरू। हाँ तो बाबा हाँ रंडी ले आई तोर मैया नहीं साले तुम्हार मैया रंडी अरे साले तो रैया रंडी। हाँ आओ कुछ कहते हाँ ओ किसान यह बताओ कसम सजावट ये कुर्सी मेज लाइट टेंट ये सब काहे खाती नहीं है। काहे खाती नहीं नहीं जंतु का हमका कहा पता बहन चंद्रमुखी की शादी है बारात आ रही है। क्या शादी है बारात आने वाली मुझे मालूम नहीं मैलों में मालूम घर के बाद ठीक है चलो चल के ठाकुर साहब से पूछूं। अरे ठाकुर साहब ओ ठाकुर साहब क्या बात क्यों इतनी आवाज लगा रही हो। आवाज इसलिए लगा रही हूँ ये बताइए ये लाइट टेंट कुर्सी मेज आखिर सब सजावट किस लिए। ये भी कोई बताने वाली बात है तुम्हें मालूम नहीं है चंद्रमुखी की शादी है। क्या चंद्रमुखी की शादी बारात आने वाली नहीं है तो क्या इसीलिए सब सजावट है, है? मतलब क्या है तुम्हारा मतलब ये है सुनिए ये शादी नहीं होगी होने दूंगी मैं शादी ये हर चीज नहीं छोड़ दो क्या ये बताओ कि रेखा बड़ी है या चंद्रमुखी बड़ी है शादी पहले बड़े की होती है या छोटे की होती है। इससे मतलब नहीं शादी होगी तो पहले मेरी बेटी रेखा की। अच्छा तो सुन लो तुम भी अब तुम रहो या यहाँ से जाओ हमें कोई परवाह नहीं है चित तुम्हारी यही है तो होगी शादी तो चंद्रमुखी की मैं जाऊंगा
मुखी तुम चलो, आज उसका मिजाज मैं ठीक कर दूं। मेहमान हो गए हैं और आज शादी है तेरी, और ये बीच में बिघन डाल दी है कि शादी होगी तो रेखा की, मैं इसका दिमाग ठीक कर दूं।
चलो अब दोबारा कोई ढोंग नहीं रचना, अगर कोई दूसरा ढोंग किया तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तेरे हाथ पर बांधकर सीधे कुएं में फेंकेंगे, कोई जान भी नहीं पाएगा। ले चलो बेटी को तो सजाओ, बरात आने का टाइम हो गया। चल बेटी, नाटक कोई नहीं करता, सुन ले काम। हमारा कोई नाटक नहीं करता। चल 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 चिंबलाल, देखो सारा इंतजाम देख रहा, इसलिए कि बरात आने का टाइम करीब आ रहा है। पूरी व्यवस्था है बेटी। कार्तिक माँ पौरानी कुकुरिया, कार्तिक माँ कार्तिक की सदा कह रही है, खुश की मुबारक घड़ी से जमे पर